पुत्र गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं? चलो पुत्र, चलिए नंदी जी, मुझे शीघ्र ले चलिए। की पुकार है। नहीं, अभी उमा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना होगा। वहां देखकर बहुत प्रसन्न होंगी पिताश्री। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, किंतु इस बार मैं अपनी पत्नी पार्वती की पुकार को अपने भक्त की गुहार से स्थिर नहीं पड़ने दे सकता। ओ माँ मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य दायित्व आज मुझे तुम तक अवश्य ही पहुंचाएगा। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ, अपनी उमा के पास वो अवश्य आएंगे, मुझे धीरज रखना होगा। किंतु उनकी प्रतीक्षा में मैं तो ये भूल ही गई कि उनके स्वागत के लिए मुझे तैयार भी होना है। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय।
पिताश्री शीघ्र चलिए। हाँ पुत्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। महादेव, क्या मेरे इतने वर्षों के तप के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हुए? आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु, आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु, आपका यह भक्त आपको पुकार रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु, आइए प्रभु। आज किसी की भी पुकार मुझे उमा के पास जाने से नहीं रोक सकती। महादेव, भक्त हूं आपका, अपने अंग की आहुति देकर भी अगर आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं तो मैं करूंगा। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं यही करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, कैलाश का आकाश पार करने भर की देरी है, फिर माँ की कुटिया अधिक दूर नहीं रहेगी। पिताश्री की गति धीमी क्यों पड़ रही है और उनका ध्यान भी कहाँ बटा हुआ है? पिताश्री, क्या हुआ? आप पूर्ण वेग से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? शीघ्रता कीजिए ना, माँ वहाँ बड़ी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री की गति बार बार धीमी क्यों पड़ रही है? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए महादेव, मैंने अपनी दोनों भुजाएं अग्नि को समर्पित कर दी है। अब तो आइए महादेव, अब तो दर्शन दीजिए महादेव। यदि अभी भी मैं आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर सका तो मैं अपना ये देह अग्नि को समर्पित कर दूंगा। तो आप क्या क्या उत्तर देंगे अपने भक्तों को महादेव? आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपके दर्शन होंगे या मेरी मृत्यु, यदि ऐसा हुआ तो क्या जवाब देंगे आप अपने भक्तों को महादेव? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए। कैसी दुविधा है ये? आइए प्रभु, दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही। किसका अधिक अधिकार है मुझ पर? मेरी उमा का, जो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है, अथवा मेरे भक्त का, जो मुझे पुकार रहा है? ओम नमः शिवाय। दोनों में से किसका चुनाव करूं मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, श्री नंदी जी से उतर क्यों गए? क्या हुआ पिताश्री? क्या आप कैलाश में कुछ भूल आए हैं? ऐसा है तो आप आगे बढ़िए, आप जो भी भूले हैं वो मैं ले आता हूँ। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है, अति शीघ्र माँ के निकट पहुँचना ही होगा हमें। गणेश पुत्र। नहीं पिताश्री, कुछ मत कहिए, बस आप मेरे साथ चलिए।
इस बार माँ को निराश मत कीजिए पिताश्री, उनके पास जाने में किसी भी कारण को बाधा मत बनने दीजिए। देखिए प्रभु, अपनी ही आहुति दे रहा है आपका ये भक्त आपके दर्शन पाने के लिए। क्या भी आप नहीं आएंगे दर्शन देने? महादेव दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु चलिए ना। प्रभु पुत्र, पति का दायित्व भगवान के दायित्व से बड़ा नहीं होता। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ और आपके भक्त से पूर्व मैं आपके पास आया था, किंतु यदि मैं अपने भक्त के पास नहीं गया तो अपने प्राण दे देगा पुत्र, जो कदापि मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। तुम्हारी माँ मेरी विवशता अवश्य समझेगी। उनसे कहना मैं संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाकर शीघ्र उनके पास लौटूंगा। मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। पुत्र, तुम नंदी और अन्य गणों को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचो और विश्वास रखो, तुम्हारी माँ को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। जाओ पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अब मैं माँ से क्या कहूंगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें? क्या आपके लिए मेरे इस कठोर तप का कोई महत्व नहीं है? महादेव दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स रंभ। महादेव, महादेव मुझे ज्ञात था कि मेरा तप व्यर्थ नहीं जाएगा, आप दर्शन अवश्य देंगे। भगवान कभी अपने भक्त की तपस्या की अवहेलना नहीं कर सकते। अत्यंत कठोर तप किया है तुमने, तो मुझे तो आना ही था। पुत्र गणेश, नंदी और कर्ण भी है। स्वामी, माँ, पुत्र, स्वामी कहाँ है? पुत्र वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो माँ समझी, स्वामी अवश्य सबसे पीछे है। तुम क्रीड़ा कर रहे हो ना मेरे साथ? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? अब और मत सताइए, मेरे समक्ष आइए, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हूँ। बहुत हुआ स्वामी, अब दर्शन दीजिए मुझे। माँ मेरी बात सुनिए। स्वामी तो यहाँ नहीं, अर्थात वो नहीं आए। निराश मत होइए, उन्होंने वचन दिया है मुझे, वो शीघ्र अपना कर्तव्य निभाकर यहाँ आ जाएंगे।
कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही पिताश्री यहाँ होंगे। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। उनका कोई कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा उनके किसी भक्त ने उन्हें विवश कर रोक ही लिया हो। कहो रंब, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, बरसों के कठोर तप के बाद आप आए और आ ही गए तो इतनी शीघ्रता से वरदान देकर चले भी जाना चाहते? प्रभु, भक्त ने तप किया है कि आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर सको, इसलिए थोड़े समय तो रुकना ही होगा। प्रभु। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, पिताश्री शीघ्र यहाँ पहुँचेंगे। इस पुष्प के पंखुड़ियों के समान मेरे हृदय की आशा, मेरी उमंग भी मुरझा रही। तुम्हारे पिताश्री तो तुम्हारे साथ आने वाले थे ना पुत्र? हाँ माँ, मैं आपका उत्तर लेकर कैलाश पहुँचा तो पिताश्री तो यहाँ आने के लिए व्याकुल हो रहे थे और हम तभी कैलाश से निकल गए। फिर क्या हुआ? और पता है माँ? रुको पुत्र, मैं बताती हूँ। उनको उनके किसी भक्त ने पुकारा होगा और वो चले गए होंगे। उनका कर्तव्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता, किंतु पार्वती यदि वो प्रतीक्षा कर रही है तो करती रहे। उनका कर्तव्य उनके लिए मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और सदा की तरह पुनः उन्होंने अपने कर्तव्य को मुझसे ऊपर रखा। मेरे दर्शन के सिवाय तुम्हें कोई और लालसा नहीं, ये जानकर प्रसन्नता हुई मुझे। मेरे दर्शन प्राप्त हो गए तुम्हें, अब तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु, मात्र आपका आशीर्वाद ही नहीं, वरदान भी चाहिए मुझे। एक पुत्र चाहिए मुझे, एक पुत्र जो अमर होगा। मेरे वरदान के पश्चात जन्म रम का पुत्र ही असुरों का अधिपति बनेगा, जिसके राज्य में असुरों का ही नहीं वरन असुरी प्रवृत्ति का भी विस्तार होगा। तुम्हारा पुत्र जो जन्म लेगा वो महिषासुर के नाम से जाना जाएगा। रम, कोई अन्य वरदान मांग लो, ये वरदान नहीं दिया जा सकता। जब तक आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि तुम अधीरता के साथ मेरे लौटने की प्रतीक्षा में हो, किंतु अब यह कठिन सा प्रतीत हो रहा है उमा। अब बहुत हुआ, इस बार प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं। इस पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो यहाँ नहीं आए तो मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगी। महादेव अभी तक नहीं आए, मुझे तो माता की चिंता हो रही है। हम लोग तो तल सकते हैं, बताइए है ना। हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं तोतला जी, आप सभी गणों को यहाँ फैलने के लिए कह दीजिए, जिससे उनकी दृष्टि यहाँ के मार्ग पर और दूसरों पर भी रहे और जैसे ही पिताश्री आते हुए दिखाई दे तत्काल उसकी सूचना माँ तक पहुँचा दे। नंदी
और तोतला को सुमुख निर्देशा। सब मिलके करे देखो भोले की प्रतीक्षा। विचलित है माँ देख पुष्प मुरझाते, लौटो हे शिव शंकर गजानन ये ध्याते। पिताश्री आप शीघ्र आ जाइए। पिताश्री राम, तुम्हारा पुत्र अमर हो ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो ये वरदान दे सकता हूँ। प्रभु, पर अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उचित है, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। हाँ प्रभु, ये वरदान दे दीजिए मुझे, ये सर्वथा उचित है प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा, यदि वो प्रयास करेगा तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। ये कैसा वरदान दिया है महादेव? नारायण नारायण, ऐसा वरदान दे दिया असुर रंभ को? मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ मैं आपको सूचना देने चला आया। दुष्ट असुर तो पुनः वरदान प्राप्त कर और भी बलशाली होते जा रहे हैं, किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं? वरदान तो दिया जा चुका है। किंतु देवऋषि, उन्होंने वरदान तो रंभ के पुत्र के लिए दिया है ना, वो पुत्र जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है। इसके पूर्व के रंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बीतती जा रही हैं, अभी तक पिताश्री नहीं आए। एक बार पुनः आपने अपनी उमा को निराश व दुखी कर दिया महादेव। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त और संसार के लिए आपके कर्तव्य, जो सदा ही आपके लिए सर्वोपरि रहा है और रहेगा। माँ आ जाइए, माँ अब तो आ जाइए, माँ अब तो आ जाइए, अब तो सुन लीजिए मेरी पुकार। माँ माँ अब तो मेरा तप पूर्ण करिए। माँ मेरी पुत्री के रूप में अपने सानिध्य से मुझे कृतार्थ करें। माँ मेरी इच्छा पूर्ण करें। माँ अब तो आ जाइए, माँ मेरा तप पूर्ण करिए। माँ संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ, माँ वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए। माँ संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ, माँ वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए। माँ दर्शन दीजिए। महादेव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ऋषि कात्यायन को वरदान दूंगी। इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। पुष्प मुरझा चुका है, माँ निराश और कुपित है, ज्ञात नहीं अब क्या करेंगी वो। माता माता, प्रभु आ गए हैं, महादेव आ गए हैं। हर हर महादेव, प्रभु आ गए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र
उमा कहाँ है तुम्हारी माँ? उमा 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 पार्वती उमा 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 मुझे ज्ञात है तुम मुझसे क्रोधित हो किंतु तुम मुझे क्षमा कर सकती हो उमा। पुत्र कहाँ है तुम्हारी माँ? पिताश्री कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। बहुत देर हो गई अर्थात आप ही के समान माता भी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिताश्री। चली गई कहाँ चली गई? माँ आप धीरज रखिए पिताश्री आते ही होंगे। पुत्र मैं जहाँ रहूंगी तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगे और मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। पुत्र माँ आपके ये शब्द मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। पुत्र तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया, अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए। अब तक मैं महादेव की पत्नी तुम्हारे और पुत्र कार्तिकेय की माता बनकर यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भूल गई थी कि वो देवों के देव हैं और उनके लिए उनके कर्तव्य सदैव मुझसे ऊपर हैं। किंतु आज तो ये पुनः प्रमाणित हो गया पुत्र। कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि वो महेश्वर है तो मैं भी महेश्वरी हूँ, वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूँ। अब मेरे लिए भी अपने भक्तों को अपने अन्य संबंधों से ऊपर रखने का समय आ गया है। माँ मैं विनती करता हूँ इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। शीघ्रता नहीं पुत्र, बहुत देर की है मैंने और अब मेरे संयम का बाण टूट चुका है। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलूं। माँ ऐसा मत कीजिए, माँ मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ, कृपया रुक जाइए माँ, रुक जाइए कृपया माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। नहीं रुक जाइए माँ। गणेश अब मुझे अपने भक्त की भक्ति का मान रखना होगा, ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर उनके निकट जाना होगा। माँ रुक जाइए माँ, मत जाइए माँ, पिताश्री आते। पिताश्री माँ ने बहुत समय तक आपकी प्रतीक्षा की थी किंतु अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। वो जहाँ भी चली गई है पुत्र उसे वापस ले आएंगे। मुझे देखकर मेरे समझाने पर उसका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा, फिर मेरी उमा मेरे साथ अवश्य चली आएगी। चलो पुत्र। पिताश्री वो जहाँ गई हैं उनका वहाँ से एक लंबे समय तक लौटना संभव नहीं है। पुत्र
की स्वरूपिणी है तुम्हारी माँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिताश्री, माँ छोटी बालिका बन पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन के पास चली गई है। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। पिताश्री, इस बार तो ये माता की भूल नहीं है ना? उमा, कहाँ हो तुम? संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। रूप में मुझे अपना सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए माँ। माँ अब तो दर्शन दीजिए। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ आप आ गई। माँ एक बालिका का रूप लेकर आप मेरे पास आई है। माँ मैं धन्य हो गया। देखिए पिताश्री, मैं आ गई। पुत्री रूप में मैं आपको पाकर धन्य हो गया माँ। मैं ही नहीं, संसार का वो हर पिता धन्य है जिसे संतान के रूप में आपका सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि संसार की हर कन्या में आप ही का तो अंश है, आप ही का तो रूप है ना माँ। माँ, अरे पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी पुत्री हूँ, फिर आप मुझे माँ कहकर क्यों पुकार रहे हैं? श्री, आपके मुख से ये स्वर सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे लिए तो ये अमृत समान है। पिताश्री, हाँ इस रूप में तो आप मेरी पुत्री ही हैं। कात्यायनी के नाम से जाने गए संसार आपको, कात्यायन पुत्री, कात्यायनी, कात्यायनी, कात्यायनी। और माता पार्वती का विलग होना सृष्टि के लिए शुभ सूचक नहीं होगा? हेकन, मुझे चिंताएं पुनः चकर रही हैं। एक और महादेव,
माता पार्वती के वियोग से अत्यंत दुखी है, तो दूसरी ओर उनसे वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट असुर रंभ के पुत्र का जन्म हो चुका है। महिषासुर! पिताश्री, भविष्य में तुम तुम्हारी शक्ति से जो क्रीड़ाएं करोगे उसका भी आनंद लूंगा मैं। सावधान त्रिलोक! ये पुत्र शीघ्र हमारे लिए एक महान संकट का रूप ले लेगा। महादेव को इस अवस्था से बाहर आना ही होगा, नहीं तो कौन रक्षा करेगा स्वर्ग की, कौन बचाएगा सृष्टि को? तांडव का रूप लिया तो पूरी सृष्टि में विनाश ही विनाश होने लगा। तब स्वयं नारायण को हस्तक्षेप करने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 टुकड़ों में बांटा। जिनके पृथ्वी पर आने से वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। तब जाकर शांत हुए थे महादेव। मैं पिताश्री को पुनः वैसी अवस्था में नहीं जाने दे सकता। अपनी पीड़ा भूलकर मुझे माँ की अनुपस्थिति में पिताश्री का ध्यान रखना होगा। चलिए। दुखी मत हो ये पिताश्री, सब पूर्व की भांति पुनः हो जाएगा, माँ लौट आएंगी।
ये आपने क्या अनर्थ कर दिया प्रभु। एक और माता पार्वती के चले जाने से कैलाश अपूर्ण हो गया है, तो वही दूसरी ओर आपके वरदान के कारण जिस असुर का उदय हुआ है, अब वही हम सब के लिए संकट बनने वाला है। महादेव के वरदान के कारण रंब का पुत्र जन्म से ही अति बलशाली है। यदि उसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे भी वरदान प्राप्त कर लिया तो? नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इससे पूर्व की रंब का पुत्र अपने पिता से मार्गदर्शन प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन जाए, उन दोनों का ही उपाय करेंगे। उपाय? कैसा उपाय देवराज? पिता पुत्र का अंत। यही उचित, किंतु कैसे? आप चिंता मत कीजिए देवगण, देवराज के उपाय को सत्य करने का उपाय है मेरे पास। आरंभ कैसा भी हो परंतु प्रत्येक जीव का अंत मेरे ही अधीन है। मैं अपने वाहन महिष को भेजकर छीन लूंगा पिता और पुत्र का जीवन। माँ के वियोग में पिताश्री की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। पिताश्री। पुत्र गणेश, मेरा त्रिशूल कहाँ है? यही है आपका त्रिशूल, जहाँ वो सदा होता है। उचित है, आइए मेरे साथ। कहाँ पुत्र? आइए हम पिता पुत्र साथ में भोजन करेंगे। उमा, कैलाश में इस भवन में जहां देखता हूं वही मेरी उमा की स्मृतियां उभर कर मुझे दुखी कर रही हैं। जिसका साथ मुझे चाहिए वो मेरी उमा यहां नहीं है, और किसी का भी साथ मुझे संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए अभी मुझे अकेला रहने का पुत्र। पिताश्री, मुझे माता को पुनः लौटाकर लाना ही होगा। तो अपने बालिका रूप में कितनी प्रसन्न है।
यहाँ आओ। छोटे छोटे हाथ पांव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा। बालक माँ मुझे ऐसे देख रही है जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो मुझे उनसे जो सब कहना है कह देता हूँ कि कैसे उनकी आंचल की छांव से वंचित होकर मैं कितना उदास हूँ, और कैसे मेरे और पिताश्री के नेत्र सदा उनको ही ढूंढते रहते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, माँ ने मुझे नहीं पहचाना, मुझे भूल गई है माँ। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? कौन हो तुम? मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश हूँ। मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी हूँ। तो क्या माँ मुझे और पिताश्री को पूर्ण रूप से भूल चुकी है? तो क्या पिताश्री और माँ अब कभी नहीं मिलेंगे? ऐसे दाव लगाते हैं महिषासुर। ये कैसी भयानक ध्वनि है? ये कौन आ रहा है यहां? यमराज का महिष अवश्य हमारा अहित करने आ रहा है। हूं मैं, मेरे पास कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए भागने का प्रयास मत करो। देखो अपने पिता का अंत, अधर्म का प्रारंभ कहीं से भी हो उसका अंत इतना ही भयानक होता है। सावधान बालक। अनुचित नहीं, किंतु यह बालक अभी अत्यंत ही छोटा है, मैं भला इसके प्राण कैसे हर सकता हूँ? नहीं, यह उचित नहीं होगा। देवगण, हमारे समक्ष कोई दुष्ट असुर नहीं है, पिता की मृत्यु से एक दुखी ऐसा है बालक के प्राण कैसे हरूं? आप उचित कह रहे हैं कालदेव, ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हम। एक बालक का वध करने का दुष्कृत हम देवताओं को शोभा नहीं देता। पिताश्री, पिताश्री,
सावधान देवताओं, सावधान। काटा छोटा हो तो क्या हुआ, मन पर कष्ट वो भी देता है। मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे। अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, प्रतिशोध लूंगा मैं अपने पिताश्री की हत्या का। देवताओं के पछताने का समय निकट है। मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करने आया पुत्र। अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दुखद है। जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाभ है गुरुदेव? आज्ञा दे कि अब मुझे क्या करना है। प्रतिशोध लेना है तुम्हें, देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अत्यंत ही आहत हूँ इस बात से कि माँ मुझे ही अपने पुत्र को नहीं पहचान रही है। मैं तो यहाँ माँ से भेंट करने आया था, किंतु अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे पिताश्री से माँ की पुनः भेंट करवाऊँ? पुत्र गणेश, माँ यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुंच जाते तो कदाचित मैं यहाँ नहीं आती। किंतु क्यों माँ, क्या आप पिताश्री को क्षमा नहीं कर सकती? वो आपके बिना अत्यंत दुखी है माँ, क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु न बन सके। स्मरण रहे पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान से जन्म लेने के कारण अत्यंत बलशाली हो तुम, इसलिए देवताओं से अपने पर हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ त्रिलोक पर असुर राज भी स्थापित करना है तुम्हें। प्रतिशोध लेने में मैं कोई विलंब नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम वीर हो, स्वयं को प्रतिशोध के लिए तैयार करो। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर जलाए रख, स्वयं को और योग्य बनाओ। ब्रह्मदेव का तप कर ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, देवता भी तुम्हारे सामने थर थर कांपें। तुम बन जाओ महान अजय असुर, महिषी पुत्र महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। निछावर कर दो अपना बचपन, अपनी युवावस्था उस कठोर तप में पुत्र। हर इस तप की अवधि में महेंद्र और अन्य देवताओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना प्रतिशोध लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा गुरुदेव। Thank you.
उद्देश्य माँ? उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र, किंतु उसके पूर्व मुझे तुम्हारी माँ को यही रहना होगा। माँ, यहाँ आकर आपको विचलित करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु जब तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौटेंगी बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, मेरी बाल्यावस्था तो बीत चुकी होगी माँ। पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुख मैं भी नहीं खोना चाहती, इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लौटती तब तक तुम बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि समस्त जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध रहोगे। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लौटने के लिए विचलित हूँ पुत्र, किंतु ये तभी संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र।